The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr.Education. Dosto, aaj hum baat karenge ek super food ke baare mein. Ji haan, super food जो कि आपके बॉडी के हर एक हिस्से को नरिश करता है. ये वो चीज़ है जो आपके ना सिर्फ स्किन के लिए, हेयर के लिए, बोन के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है. आपके शरीर से ओवरऑल इन्फ्लामेशन को कम करता है हर जगह से. ऑटो इम्यून डिजीजेज हो आपको, किसी भी प्रकार का आर्थराइटिस हो, कैंसर का प्रिवेंशन हो, दिमागी बीमारी, मेंटल प्रॉब्लम, अल्जाइमर्स के रिस्क हो, डिप्रेशन हो या किसी भी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस हो उसको भी कम करता है. कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हार्ट डिजीज में आपका फर्क पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम, गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा करता है, मसल डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदेमंद करता है, साइड इफ़ेक्ट्स कम करता है लिवर किडनी पर, बुरे बुरे दवाइयों के, इवन स्टेरॉइड्स के, आपके गट के लिए, पेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है. और ना सिर्फ ये, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. ये क्या है अगर आपने अब तक गेस नहीं किया तो ये है फिश ऑयल्स ओमेगा 3 फैटी एसिड. जी हाँ, ओमेगा 3 के बारे में जग जाहिर है उसके बेनिफिट्स. आपको अगर उसके बेनिफिट्स के बारे में डिटेल जाननी है तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो है, ओमेगा 3 फैटी एसिड बाय Dr.Education, यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं. आज हम आपके सामने आपको बताएंगे कि ओमेगा 3 किस किस को लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए. और अगर आप मार्केट में जाते हैं तो ऐसे किसी भी सप्लीमेंट के हजारों प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या देखना है. और ऐसे ही एक प्रोडक्ट का हम रिव्यू भी करेंगे आज. सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि ओमेगा 3 के बेनिफिट्स क्या है. अब बात करते हैं कि ओमेगा 3 का RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, कितना होता है. इसके दो प्रकार के अलग अलग RDA है. एक होता है रिकमेंडेड प्रिवेंशन के लिए, यानी कि बीमारियों के प्रिवेंशन, हेल्दी लाइफ के लिए, एक हेल्दी लिविंग के लिए इसको लेना चाहिए. 250 से 500 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड. जब हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की, तो जो मेन इंग्रेडिएंट उसमें काम करते हैं वो है EPA और DHA. अगर आपको नहीं पता EPA DHA तो फिर से ओमेगा 3 वाला हमारा वीडियो देख लीजिएगा. और EPA DHA उसके मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है. जो आप घर में नट्स, फ्लैक्सीड, अलसी खाते हैं उनमें भी ओमेगा 3 होता है, लेकिन उनमें होता है ALA. ALA से बहुत कम मात्रा में EPA DHA बनता है, जो ये सारे बेनिफिट्स के लिए काफ़ी नहीं होता. जो लोग फिश खाते हैं, उनको फिश ऑयल्स, उनके फिश कंज्यूम करने से अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिल जाता है. लेकिन जो लोग फिश नहीं खाते, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए सप्लीमेंटेशन रेकमेंडेड है. नाउ EPA और DHA का रेगुलर रेकमेंडेशन है 250 से 500, लेकिन कुछ और बीमारियों में इसकी मात्रा बढ़ जाती है. जैसे हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज में देखा गया है कि 850 मिलीग्राम EPA और DHA लिया जाता है तो हार्ट की बीमारियां 45% तक, हार्ट अटैक से डेथ रिड्यूस हो जाती है, हार्ट अटैक 25% कम हो जाते हैं. दिस इज अ स्टडी. ट्राइग्लिसराइड लेवल के लिए 1000 मिलीग्राम EPA DHA की जरूरत पड़ती है. और ऐसे ही डिप्रेशन के लिए भी 2200 मिलीग्राम तक आप ये ले सकते हैं. और कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी इसको 2500 मिलीग्राम पर डे का डोज लिया जाता है. ये ट्रीटमेंट पर्पस से है. कई बार 4000 मिलीग्राम तक भी लिया जा सकता है. और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है EPA DHA. बच्चे और प्रेगनेंसी में रैदर एडिशनल 200 मिलीग्राम DHA जरूरी माना जाता है, और बच्चों के ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है. इसके साथ जो जरूरी एस्पेक्ट है वो है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो, जिसके बारे में हमने आपको बताया था.
तो आज हम आपको बताएंगे, अगर आप किसी प्रोडक्ट को देखने जाते हैं तो उसमें आपको ईपीए डीएचए का रेशियो देखना है, ईपीए डीएचए की मात्रा देखनी है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। दिस इज फॉर रिव्यू न्यू हर्ब्स का डीप सी फिश ऑयल। नाउ दिस इज अ वेरी हाई पोटेंसी प्रोडक्ट, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इसमें क्या है, किस मात्रा में है। सो आइए बात करते हैं। ये हाई पोटेंसी प्रोडक्ट है और इसके अंदर हाई स्ट्रेंथ है ओमेगा 3 की, यानी कि ईपीए और डीएचए पर सर्विंग, यानी टू सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। ईपीए 892 मिलीग्राम, डीएचए 594 मिलीग्राम। ये आम मात्रा में मिलने वाले किसी भी ओमेगा 3 या फिश ऑयल सप्लीमेंट से कहीं ज़्यादा है, और फिश ऑयल सप्लीमेंट जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल है उनमें 200, 150 या 250 के आसपास ईपीए डीएचए होता है। ईपीए और डीएचए मिला के 500 तक पहुंच जाता है, इसमें मिला के 1400 के आसपास हो रहा है ईपीए और डीएचए अलोन। प्लस इन एडिशन टू दैट इसमें ओमेगा 6 ओमेगा 9 भी है। कायदे से ओमेगा 6 ओमेगा 9 की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि इंडियन डाइट में ऑलरेडी ओमेगा 6 और 9 बहुत है, लेकिन फिर भी इसमें जो मात्रा दी गई है वो रेशियो के मुताबिक बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो है 1:2 के जितना पास हो उतना अच्छा है। तो इसमें जितना ज़्यादा ओमेगा 3 आप लेंगे उतना ज़्यादा बैलेंस होगा, तो इसके हिसाब से रेशियो इसमें ठीक है। सो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है एज पर ओमेगा 3 ओमेगा 6 की बात करें। इसके अंदर विटामिन ई भी है और 10 मिलीग्राम और विटामिन डी 3 भी दिया हुआ है थोड़ा सा, दिस इज 200 IU देखा जाए तो ये भी आपके डेली रिक्वायरमेंट को काफ़ी हद तक पूरा करता है मेंटेनेंस में। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो फिर डेफिशिएंसी वालों को ज़्यादा डोज लेनी पड़ेगी। इसके अंदर सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ टेस्टिंग की हुई है इन्होंने अपने तरफ से, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री, टेस्टेड फॉर हैवी मेटल्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आंखों में समझ में आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हैवी मेटल टेस्टिंग है, क्योंकि जो डीप सी फिशेस होती हैं इनके ऊपर मर्क्यूरी के होने की संभावना होती है, तो हैवी मेटल ना होना है सबसे अच्छा है। रिफ्लक्स फ्री, सोडियम फ्री और नो फिशी बर्ब्स, इन सब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन एक एडेड एडवांटेज ही मान लीजिए अगर ये सारी है आपके पास। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है फिश ऑयल का, जो कि ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी लिया जा सकता है, सो और हेल्थ पर्पस के लिए, खासकर जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मसल बना रहे हैं, सेहत बना रहे हैं बॉडी, या मोटे होना चाहते हैं या मसल बनाना चाहते हैं, उनको भी फिश ऑयल्स का डेली सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर आप एक गोली, एक कैप्सूल भी दिन में खाते हैं तो आपको दूसरी तीसरी जो कैप्सूल्स के दो दो तीन तीन डोजेस से ज़्यादा मिल जाते हैं। सो उस मामले में दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट एज फार एज दिस एस्पेक्ट इज़ कंसर्न। तो जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लें तो आप उसमें ईपीए और डीएचए की मात्रा देखें, और जितने प्रोडक्ट्स आपके पास है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि ईपीए और डीएचए की मात्रा किसमें ज़्यादा है, क्योंकि वही एक मेन चीज़ है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। याद रखिए, फिश ऑयल के वैसे तो कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, किसी किसी को फिश से एलर्जी है तो उसको नहीं खाना चाहिए फिश ऑयल्स। दूसरा, 4000 मिलीग्राम तक का डेली डोज जो एक आपको ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो ये वाला अगर आप दिन की दो कैप्सूल्स खाते हैं तो अब जाके 2500 मिलीग्राम होता है ये। और मैं आपको बता दूं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं उसमें जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं वो लोग को 4000 मिलीग्राम पर डे फिश ऑयल्स लेना होता है। सो वाई, बिकॉज दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव थिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी, लिवर किडनी को प्रोटेक्ट करता है उनके। सो दैट एस्पेक्ट से आप समझ सकते हैं कि फिश ऑयल्स कितना इम्पॉर्टेंट है। सो फिश ऑयल के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है न्यू हर्ब्स का एक अच्छा प्रोडक्ट डीप सी फिश ऑयल, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप जाके इसको देख सकते हैं। इसका मैं एक लिंक नीचे दे दूंगा। इसका लेमन फ्लेवर इन्होंने दिया हुआ है, हाई पोटेंसी प्रोडक्ट है ये ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। सो इसको चेकआउट करिए और मुझे बताइए, अगर आपको ऐसे ही रिव्यू वीडियोस और देखने हैं तो, और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स,
और जितने नेचुरली ऑकरिंग इंग्रेडिएंट्स हैं मार्केट में, उसमें कौन सा एस्पेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ को आपको देख के ख़रीदना है प्रोडक्ट, ये हम आपको बता सकते हैं एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप सही जगह पैसे खर्च करें। सो दिस इज अबाउट दिस सीरीज, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, शेयर करिएगा इस वीडियो को, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।